नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने उत्तराखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। गणेश गोदियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। पंजाब की तर्ज पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंपी गई है। उन्हें चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दीपक बलूटिया को दोबारा प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की नई लिस्ट सामने आने के बाद से ही हंगामा मचना शुरू हो गया है। कांग्रेस से धारचूला विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसका बड़ा कारण है कि 2017 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हरेंद्र शर्मा को पार्टी ने कोष अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, वहीं उनके अनुसार कांग्रेस में 5-5 अध्यक्षों का कोई मतलब नहीं, इस तरीके के फैसलों से जनता में गलत मैसेज जाता है। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र और कांग्रेस के युवा नेता सुमित हृदयेश को केंद्रीय आलाकमान ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी का अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कम समय को देखते हुए सुमित के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरम कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने पंखे से लटककर जान दे दी। मृतक युवक की पत्नी पुलिस में है और अभी उधम सिंह नगर में तैनात है, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते थे। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम भुवन भट्ट है। पुलिस के अनुसार ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी आएगी। 23 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 24 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, 25 को नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 25 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले भक्त गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में रहने वाले अपने गुरुओं का पूजन करने आते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को गुरु से आशीर्वाद लेने आने के लिए अपनी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। वहीं 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर स्नान भी सांकेतिक होगा। पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से ऋषिकेश, बद्रीनाथ और राजमार्ग सहित 163 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। बंद मार्गों को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने 23 से 25 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। ऐसे में आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण साबित होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 56 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 48 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 6, चमोली और चंपावत में 1-1, देहरादून में 18, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 9, पिथौरागढ़ में 10, टिहरी में 3 और उत्तरकाशी में 6 संक्रमित मिले हैं। जेफ बेजोस के बाद जल्द ही भारत के संतोष जॉर्ज कुलंगरा भी अंतरिक्ष की सैर करने की तैयारी में है। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय होंगे। 49 साल के संतोष ने अंतरिक्ष घूमने के लिए अपनी सीट 2007 में ही करीब $2.5 लाख में बुक कर दी थी। उन्होंने अपनी सीट वर्जिन गैलेक्टिक में बुक की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सभी धर्म के पूजा स्थलों के लिए एक समान कानून बनाने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक आधार पर विभिन्न पूजा स्थलों में भेदभाव को समाप्त कर सबके लिए एक जैसा दिशा निर्देश देने या केंद्र सरकार को सबके लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।